यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं देश की आवाज। में हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। कल देश 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और 2019 चुनाव से पहले पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से आखिरी बार देश को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें कई मुद्दों को उठाए जाने की उम्मीद है। इसलिए आज देश की आवाज में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा मुद्दा ऐसा लगता है जिसे पीएम मोदी को अपने भाषण में शामिल करना चाहिए। पीएम मोदी के भाषण से आपको क्या उम्मीदें हैं और पीएम मोदी को अपने भाषण से क्या संदेश देना चाहिए, तो इसी के साथ आज के बड़े सवाल भी आपको बता देते हैं। कल 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है देश। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देने वाले हैं और पीएम मोदी के भाषण से आपको क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ सम्मिलित करने वाले हैं, पीएम को भाषण से क्या संदेश देना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि लाल किले से पीएम को कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, तो आप भी अगर अपनी राय रख सकते हैं कि अगर आप भी कोई मुद्दा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में सम्मिलित करें, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तो पीएम मोदी लाल किले से कल भाषण देने वाले हैं और ये आखिरी भाषण कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 के चुनावों में ये नहीं पता है कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो पीएम मोदी को भाषण से क्या संदेश देना चाहिए, ये आज का बड़ा सवाल है आपके सामने। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़िए, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषण में क्या कुछ सम्मिलित करना चाहिए, कल ये भी कह सकते हैं लोकसभा 2019 के चुनावों से पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी भाषण रहने वाला है, और इस भाषण से आप क्या उम्मीदें रखते हैं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ अपने भाषण में शामिल करेंगे, क्या कुछ वो अपने भाषण के माध्यम से आपको संदेश देंगे और क्या कुछ आप चाहते हैं कि उनके भाषण में ये सब कुछ होना चाहिए, तो आप अपनी बुद्धि से अपनी राय रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, देश की आवाज बन सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं, अपने अच्छे वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं, और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी का हर एक प्रवक्ता अपने बोलने के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी बार भाषण देने वाले हैं, तो आप क्या उम्मीदें रखते हैं इस भाषण से, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लोकसभा 2019 के चुनावों का बिगुल फूंक सकते हैं इस अपने भाषण में, या फिर वो सिर्फ देश प्रेम की भावना की ही बात करेंगे, तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, आपको क्या लगता है कि वो देश में क्या बदलाव चाहते हैं, और देश में जो कुछ भी बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अपने भाषण में उन बदलावों को सम्मिलित करें, तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आपकी आवाज को आगे तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और आपकी आवाज को हर कोई सुनेगा, क्योंकि देश की आवाज एक ऐसा मंच है जो आपके विचारों की स्वागत करता है, आपके विचारों का स्वागत करता है। तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी राय दीजिए। सीधे से सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से आपको क्या उम्मीद है और पीएम को भाषण से क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि लोकसभा 2019 के चुनावों से पहले ये एक ऐसा भाषण है, ये एक ऐसा आखिरी भाषण है लाल किले से जो कि काफी अहम माना जा रहा है। तो इसी बीच आपसे सीधा सा आसान सा यही प्रश्न है कि आपको क्या उम्मीदें हैं उनके भाषण से, क्या कुछ लगता है कि वो अपने भाषण में शामिल करने वाले हैं और क्या कुछ आप चाहते हैं कि वो अपने भाषण में शामिल करें। इस मंच से जुड़िए, देश की आवाज बनिए और अपनी राय रखिए। और रोहतक से इस कार्यक्रम के पहले दर्शक राजकुमार इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए राजकुमार जी। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया था प्रधानमंत्री आपको, दाग लगे ना चोले को, बच्चा लगे ना साख को, चापलूसों से दूर रहना, रखना धर्म निरपेक्ष बात को, कीर्ति बड़े भारत माता की और विश्व में विख्यात हो, अच्छे दिन लाने वाले वायदे किए थे जो जनता से,
आने वाले हैं चुनाव दोबारा, शायद आपको आभास हो, आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें लिए बैठे हैं हम, शायद स्वतंत्रता दिवस पर जनता के मन की बात हो, कमल खिलाने वाले हर चेहरे आज हैं मुरझाए हुए, खिल जाएं ये चेहरे खुशी से, ऐसी कोई बात खास हो, राज ता उम्र रोते ही रहेंगे क्या, हम जनता है ना, सत्ता चाहे किसी भी राजनेता के हाथ हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो नियमित दर्शक जो कि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं कविता के माध्यम से अपनी राय रखते हैं, और यहाँ पर उनकी कविता से वो यही ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि धर्म निरपेक्षता की बात हो, जो कुछ विकास के वायदे किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वो उन्हें याद करने चाहिए 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को जो भाषण होगा उसमें उन वायदों को दोबारा से याद किया जाना चाहिए कि क्या जो ये वायदे किए गए थे भारत की जनता के साथ वो पूरे किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं, यही जनता उम्मीद करती है। इसी के साथ नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़िए, देश की आवाज बनिए, अपनी राय रखिए। क्या लगता है आपको कि क्या लाल किले से जो पीएम मोदी का जो भाषण होगा उसमें तमाम तरह के ये मुद्दे शामिल होंगे जो कि चुनावी समय में वो बिगुल फूंकते हैं, किस तरह से जनता को लुभावने वायदे देते हैं, तो क्या लगता है कि उन वायदों को याद जाएगा, या फिर आप क्या चाहते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं पीएम मोदी के भाषण से। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण की वजह से जाने जाते हैं, और यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा 2019 के चुनावों से पहले आखिरी बार ये लाल किले से संबोधित करेंगे, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं इस भाषण से, यही सीधा सवाल है। और उदयपुर से अनिल, अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए अनिल। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी से ये उम्मीद है कि जो एनआरसी का मुद्दा है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा है उस पर बोलेंगे, और इसको भारत ये कहेंगे कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, और जो सेना के में जो सेना के ऊपर जो कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं उनको गोली मारने का आदेश कहेंगे, उनको सीधे गोली, यानी कि फ्री हैंड देना चाहिए सेना को। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ दिनेश एमपी से अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, दिनेश जी अपनी राय रखिए। थैंक यू मैडम जी। प्रधानमंत्री महोदय से 15 अगस्त को मैं जनता के, उस पीड़ित जनता के जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, उस जवाब चाहेंगे कि भारत के संविधान में नियत स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के आदर्श को आज संकट में है, और क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो पलट दिया जाता है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय के नाम पर जो समृद्ध हो चुके हैं, करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, वो अभिजात वर्ग विशेषाधिकारों का उपयोग कब छोड़ेगा, और वास्तविक निर्धन लोगों के किसी भी जाति के हों उनको प्रधानमंत्री कब इमदाद देंगे। कानून देश में एक समान होना चाहिए। ऐसे ही मैं सैनिकों के मामले में एक जवाब चाहूंगा कि शहीद के दर्जा देने पर एक विवाद विसंगति है। बिल्कुल, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बात करनी चाहिए। यहाँ पर जनता का दुख कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और इसी के साथ शिमला से अगले दर्शक अरविंदर इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अरविंदर जी अपनी राय रखिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है पांचवी बार जो क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी बताएगा, लेकिन जो 4 साल में उन्होंने घोषणा की तो कुछ भी नहीं हुआ जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनके भाषण में, क्या कुछ शामिल होना चाहिए, क्या उनको अपने वायदों को याद करना चाहिए इस भाषण में? जब हम सत्ता में आएंगे तो हम पूरी मतलब इस बेरोजगारी को रोजगार देंगे लोगों को, लेकिन आज पढ़ा लिखा बच्चा एक पीएचडी पढ़ा हुआ बच्चा पीएन लग रहा है, वो भी कहीं प्राइवेट सेक्टर में 7-8 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है जी, तो इस देश का क्या होगा? जो एक बच्चा पढ़ा पीएचडी है, एक डॉक्टर जो है वो कम से कम कितना खर्चा हुआ, 8-9 हजार की नौकरी कर रहा है। तो यानी कि तमाम तरह की जो समस्याएं हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ नरवाना से दिनेश अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए दिनेश जी। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रदेश देश माना गया है जी, इसमें हरेक आदमी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कल आपके टीवी के माध्यम से ही सुना मैंने कि पानीपत के अंदर कल कुछ वकीलों ने राजकुमार सैनी को बोलने नहीं दिया, ताले लगा दिए गए। मैं तो अपने नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, यदि लोकतंत्र की रक्षा करनी है
जिन लोगों ने वहाँ पर ताले लगाए हैं उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए कि लोग किसी को भी बात कहने का हक है। ये क्या जमा गदर हो गया, किसी को बहुत बोलने नहीं देंगे। यदि चार आदमी बड़े हो गए तो किसी, और उस राजकुमार सैनी का कोई बेचारे का कसूर भी तो नहीं, वो तो किसी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जनता का है, वो जनता का दर्द जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, और देश की आवाज एक ऐसा मंच है जो सभी को बोलने का मौका देता है समान तौर पर। और यहाँ पर जनता का दुख सामने निकल कर भी आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो तमाम तरह के वायदे किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस बार उन वायदों को याद करना चाहिए, क्या वो वायदे पूरे किए गए हैं। और यूपी से राहुल अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से? हेलो जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहे हैं, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या उम्मीद रखते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण से? उम्मीद तो पीएम मोदी से बहुत सारी है। जो इन्होंने कहा था कि जो है 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, इनको वही बात कल के आखिरी जो है इनका झंडा रोहण है, तो इनको आखिरी अपने समय में इनको ये बातें सब याद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे सत्ता में आने के लिए, वो पब्लिक तराई तराई हो रही है, पब्लिक पस है, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, वही सब बातें इनको करनी चाहिए। और इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो वादे किए थे, आज जनता उनसे जो है बहुत दूर है, हो चुकी है, तो इसलिए इनको कल के आखिरी जो झंडा रोहण है इनको लाल किले पे सोचना चाहिए कि हमने ये सब वादे करे थे, पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए हैं, जनता जो है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो अधिकतर जनता यही कहती हुई नजर आ रही है कि जो वायदे किए गए हैं उन्हें ही याद करना चाहिए। इसके बीच ही तमाम और तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह से सेना का मुद्दा उठाया गया है कि फ्री हैंड कहीं ना कहीं सेना को नहीं मिल रहा है, और इस बीच कुछ लोग ये भी बोलते हुए नजर आए कि बोलने की आजादी नहीं है कुछ लोगों को। तो इस तरह की बातों को याद करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यूपी से प्रदीप अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए प्रदीप जी। जी मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन थी वो प्रधानमंत्री जी ने बंद करके एनपीएस लागू कर दी है, नई पेंशन योजना लागू कर दी है, और ये 3 कंपनियों के हाथ में इन्होंने सारे कर्मचारियों का भविष्य दे दिया है। तो प्रधानमंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन कब बहाल होगी और नई पेंशन योजना कब बंद होगी, जिसमें कर्मचारियों का भविष्य कतई भी सुरक्षित नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर ये मंच इसीलिए बना है ताकि आवाज उच्च अधिकारियों तक आपकी पहुंचाई जा सके। और इसी के साथ योगराज कैथल से अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। योगराज जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, जी मेरा मानना ये है कि आज भी हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज भी हमारे देश में कमी है। जी आप किसी भी बड़े संस्थान में, पीजीआई में या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर आज भी लोग लाइनों में लगे रहते हैं, सुबह से लोग आते हैं और शाम तक उनका नंबर नहीं लगता, फिर वो वापस घर चले जाते हैं। तो ये आजादी मेरे हिसाब से अभी पूरी हुई नहीं है, जब तक ये मूलभूत सुविधाएं हमारे देश में पूरी होंगी नहीं। यानी कि मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान आपकी राय के लिए। और इसी के साथ प्रदीप अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी अपनी राय रखिए। प्रदीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं ये जी अपनी राय रखिए। एनपीएस के बारे में बोलना चाहता हूँ मैम, 2006 के बाद जो कर्मचारी पेंशन बंद हुई है, क्या उसको संभाल करेंगे? जी अपनी राय एक बार दोबारा रखिएगा मैम। जो 2006 के बाद पुरानी पेंशन बंद हुई है, क्या वो अब पेंशन? जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के साथ पंकज हिमाचल से अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए पंकज जी। पंकज क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी अपनी राय रखिए। मैम मैं चाहता हूँ कि इस बार प्रधानमंत्री लाल किले से जो जवाबदेही नेताओं की तय की है वो ब्यूरोक्रेसी की जी, वो अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की भी वही जवाबदेही तय करे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज। अगर हमें अपना देश आगे लेके जाना है, हम डायरेक्ट मोदी से हमारा कांटेक्ट नहीं है, हमारा कांटेक्ट ग्राम पंचायत प्रधान से है, एसडीएम से है, तहसीलदार से है, डीसी से है,
जब तक वो लोग अपना काम सही ढंग से नहीं करेंगे या उन बिल्कुल एक जवाबदेही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट से इस कार्यक्रम के नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। कीर्ति जी नमस्कार, नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट से बोल रहा हूं। मैडम मेरी राय में प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि सरकारी खजाने से जो भी लोग पैसा विदा करते हैं, चाहे वो तनख्वाह में है, चाहे मानदेय है, चाहे नेता अभिनेता कर्मचारी जितने भी लोग हैं, इन सब का एक तो ड्रग टेस्ट होना चाहिए कि ये नशेड़ी जो समाज हमारा पैदा हो रहा था कि एक नजीर एक उदाहरण पेश किया जा सके आने वाली पीढ़ियों के सामने कि हमारा भारत जो है वो सैनिक अनुशासन वाला नव भारत का निर्माण हो रहा है। पर दूसरा मैडम ये जितने भी ये जवान और किसान है इन मजदूरों के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए, यानी कि आधारभूत बातें होनी चाहिए, जवानों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ हरियाणा से अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। अशोक जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, अपनी राय रखिए अशोक जी। जी मैं प्रधानमंत्री जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो वादे कह रहे हैं, मतलब जो भी किए हम गरीबों के लिए जी, तो उस वादे पे मतलब अटल रहे हैं और उस चीज को याद कर रहे हैं और उस चीज को पूरा करें। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ राजस्थान से लाल सिंह अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी जी, अपनी राय रखिए। हेलो लाल सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। क्या उम्मीद रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से, आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए मोदी जी के बारे में ऐसा है कि जी। हाँ जी सुन रहा हूँ। जी जी, देखिए मोदी जी के भाषण की ऐसा है कि मोदी जी कोई भी कार्यक्रम कोई भी अगर लागू करते हैं तो उसको पब्लिक जब तक उसको नहीं करेगी ना एक्सेप्ट, जब तक वो काम सफल नहीं होता। जैसे अभी ये कचरा वाले किया, हाँ। तो मतलब पब्लिक जब तक नहीं सुधरेगी तो एक आदमी वो खाली लागू कर देगा, उसके एक्सेप्ट हाँ। पब्लिक को करना पड़ता है जी जी। और इतने सालों से जो पीएम जो मतलब काम कर रहे हैं ना, वो बहुत तीनों के जो खड्डे होते हैं ना, कहते हैं ना बड़ा खड्डा होता है तो उसको भरने के लिए बहुत टाइम लगता है जी जी। तो सरकार अच्छी चल रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यानी कि अगर कमियां हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य भी किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसा आपका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ दोबारा से नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट से हमारे नियमित दर्शक फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ मैडम कट गया था फोन जी। मैडम जनता के मन की बात जो है ना जी, वो मजदूरों किसानों की मैं बात कह रहा था जी, मैं दो लाइनों में कविता में ये बात कहूंगा जी जी। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पर जाता नहीं, जाके सरहद पे तिरंगा फहराता नहीं जी। मेरा जनता से ये कहना है कि इन चुनावों में होशियारी करें, 2019 से पहले अपना मैनिफेस्टो खुद जारी करें जी। अब के बदलो मुंसिफो देश के जंगी कानून को, आजमाओ इन नेताओं की कथनी करनी और नस्ली खून को। रहते हैं हर वक्त तैयार जो जनता का खून पीने के लिए, सरहदों पर भेजो इन सब नेताओं को 6 महीने के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कविता के माध्यम से अपनी राय रखी गई है और यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाए लोकसभा 2019 के चुनावों के लिए, जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाए वो जनता की ओर से ही तय किया जाए। और मोहम्मद शकील सऊदी अरब से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। शकील जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शकील जी क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए आज के बड़े सवाल आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण से आप क्या उम्मीद रखते हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं कि लोकसभा 2019 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में लाल किले से जो उनका भाषण रहने वाला है वो आखिरी भाषण है, तो काफी अहम ये भाषण रहने वाला है। और हरियाणा से शमशेर अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए शमशेर जी। हाँ जी, सुनामी लागू करी जी मोदी जी ने जी।
पहली कलम से बनाया हो गए सरकार बनते पहली कलम से लागू करेंगे, किसानों का भला नहीं किया। जी जी ये जी किसानों के बारे में कह रहे हैं कल को इसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। यहाँ पर जितनी भी जनता तकरीबन जुड़ रही है और किसानों और जवानों का दर्द सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से देख रहे हैं कि किसानों का जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं दुखी है और वो ये चाहता है कि उनके बारे में बात की जाए। और कांगड़ा से अगले दर्शक अजय इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अजय जी अपनी राय रखिए। मैडम जी गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून जी, मैं कांगड़ा से बोल रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी पिछले 4 सालों में जो अभी कर नहीं पाए हैं कुछ भी, और आगे आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं वादों को पूरा करने के लिए, तो पीछे टोटल बीजेपी के टाइम में लगभग 15 साल का टाइम तो हो चुका है, क्योंकि वाजपेयी साहब के पास भी रहे 5 साल और 5 साल अभी मोदी जी के पास होने वाले हैं। तो इसके अलावा 2-3 साल पहले भी बीजेपी रही है या संबंधित दल जो रहे हैं, तो अभी पिछले 4 सालों में नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे। जी, जो वायदे की ये जो मेन वायदे है, जैसे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो अभी आगे क्या कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों में नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कि संबंधित किसी दल की बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं तो ये मेरी ये अपनी थिंकिंग है कि आज तीसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए अजय जी। तो यहाँ पर जनता लगातार हमारे साथ जुड़ रही है, अपनी राय रख रही है। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़िएगा, अपनी राय रखिएगा। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और गुरुग्राम से अगले दर्शक सुरेंद्र इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। सुरेंद्र जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम जी सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी अपनी राय रखिए। मैडम जी ऐसा है, कल का जो प्रधानमंत्री जी भाषण देने वाले है ना, जो वो ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े फेकू आदमी है, बड़ी बड़ी जी सारी झूठ बोलेंगे कल ये, और पिछले 4 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। चलिए आकलन पहले ही कर लिया है जनता ने। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ यूपी से प्रदीप अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी अपनी राय रखिए। प्रदीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम जी अपनी राय रखिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि ये जो सांसद और विधायक जो रहते हैं इनके लिए तो पुरानी पेंशन का सब पूरा प्रावधान है, एक एक दो दो तीन तीन बार तीन तीन पेंशन लेते हैं, लेकिन जो कर्मचारी जो है 30-35 साल सेवा देता है उनकी ये पुरानी पेंशन इन्होंने खत्म कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो पेंशन जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इसी के साथ धर्मपाल राणा हरियाणा से अगले दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मेरी बिल्कुल छोटी ही राय है मैम जी। मैं सर्विसमैन हूँ जी। मोदी हर घर में जाकर या हर गांव में जाकर किसी की समस्या नहीं करेगा जी। मोदी एक देश का मालिक है, देश का मतलब रखवाला कह लो जी। इसने देश के डिफेंस जो है ना, देश का डिफेंस इतना अच्छा बना दिया गया तो किसी ने जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के कार्यों से कुछ लोग प्रसन्न हैं, कुछ लोग खुश नहीं हैं। तो कल 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देंगे। हमने जनता से सीधे सवाल पूछे कि क्या वो उम्मीदें रखते हैं कि अपने भाषण में वो किस तरह की बातों को सम्मिलित करें। तो यहां पर ज्यादातर जो जनता थी वो किसानों से जुड़ी समस्याओं को, जवानों से जुड़ी समस्याओं को और पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सम्मिलित करवाना चाहती थी, लेकिन ये तो कल ही देखना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण से क्या कुछ कहने वाले हैं। फिलहाल नमस्कार।